खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मास्टर स्ट्रोक में अब खबर विलायत से है। हमारा दिमाग या हमारे दिमाग में ये शब्द ऐसे रचा बसा है कि विलायत कहते ही ब्रिटेन का ही आपको ध्यान आएगा। ब्रिटेन ने भारत पर आधिकारिक रूप से करीब 200 साल तक राज किया, लेकिन अब उसी ब्रिटेन की गृहमंत्री एक भारतवंशी है। वो भारतवंशी जो नरेंद्र मोदी की प्रशंसक है, वो भारतवंशी जो राइट विंगर है, वो भारतवंशी जिनका गुजरात से कनेक्शन है। ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हो गया है और बोरिस जॉनसन नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। जॉनसन ने अपनी कैबिनेट बनाई तो उसमें भारतीय मूल की प्रीति पटेल को भी चुना है। प्रीति पटेल पर हमने डिटेल में रिसर्च की और उनके इंडिया और मोदी कनेक्शन पर एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। आप उस रिपोर्ट को देखें, उससे पहले 5 हेडलाइंस। भारतीय मूल की प्रीति पटेल ब्रिटेन की नई गृहमंत्री बनी है। ब्रिटेन में गृहमंत्री बनने वाली पहली एशियाई महिला बनी है प्रीति। प्रीति के माँ बाप गुजरात से प्रवासी बनकर गए थे युगांडा। 1960 में ब्रिटेन में शिफ्ट हो गए थे। ब्रिटेन में कल ही नए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पदभार संभाला है। कई मौजूदा मंत्रियों को हटाकर नए चेहरों को मौका दिया गया है। 2017 में निजी यात्रा पर प्रोटोकॉल तोड़ने की वजह से प्रीति को पद से हटाया गया था। तब ब्रिटेन की अंतर्राष्ट्रीय विकास मंत्री हुआ करती थी। प्रीति से पहले पाकिस्तानी मूल के साजिद जावेद के पास था गृह मंत्रालय। नई कैबिनेट साजिद वित्त मंत्री होंगे उसमें। ये हैं ब्रिटेन की नई होम सेक्रेटरी यानी गृह मंत्री, नाम है प्रीति पटेल। प्रीति पटेल एक भारतीय गुजराती, पहली बार सांसद बनने के सिर्फ 9 साल के भीतर वो ब्रिटेन की गृह मंत्री बन गई हैं। और इसके साथ ही वो एशिया की पहली ऐसी महिला हैं जो ब्रिटेन की गृह मंत्री बनी हैं। प्रीति पटेल का भारत के लिए अटूट प्यार है और साथ ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रशंसक है। उनके भारत और मोदी प्रेम के बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि प्रीति पटेल का भारत से क्या रिश्ता है। प्रीति के माता पिता गुजरात से युगांडा चले गए थे, फिर जब युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन ने एशियाई मूल के लोगों को धमकियां दी तो 1960 में ब्रिटेन में आकर बस गए। इसके बाद 1972 में प्रीति इंग्लैंड में ही पैदा हुई, कील और असेक्स यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और फिर राजनीति में आई। ब्रिटेन की राजनीति में प्रीति पटेल एक विवादित चेहरा मानी जाती हैं, लेकिन भारत से उनका लगाव किसी से छिपा नहीं है। 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की यात्रा पर गए थे तो डेविड कैमरन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कैमरन ने उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का प्रभार सौंपा था। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत प्रीति पटेल ने ही किया था। वो प्रधानमंत्री मोदी की समर्थक मानी जाती हैं, पिछले कुछ वर्षों में भारत भी आई हैं। अगस्त 2016 में जब वो भारत के दौरे पर आई थी तो प्रधानमंत्री मोदी से मिली थी। इस मुलाकात के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री की आर्थिक नीतियों का समर्थन किया था। Because India has made great progress, yes, now on GST, but also on the ease of doing business, which, you know, makes India even more attractive when it comes to investment opportunities, but also for the business-to-business relationship. तब आनंदीबेन पटेल गुजरात की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तो प्रीति पटेल आनंदीबेन से भी मिलने गई थी। प्रीति पटेल ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य हैं, जो राइट विंगर यानी दक्षिणपंथी पार्टी मानी जाती है। इसीलिए प्रीति पटेल के विचार प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं। ये प्रीति पटेल का जून 2014 का भाषण है, यानी भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई नई सरकार बनी ही थी और प्रीति पटेल ने उसी वक्त यह दावा किया था कि भारत में बदलाव आएगा। The significant mandate that Narendra Modi has is, as a politician, it's inspiring to see, but also it sets a very clear signal, I think, to the entire world about India's ultimate ambition, where India wants to be in the world, because that change in India means that we can work to support them with that change as well, and we can be part of India's solution, we can be a partner. ब्रिटेन में भारतीय मूल के लोगों के कार्यक्रमों में प्रीति पटेल मुख्य अतिथि होती हैं। वो इस तरह से भारतीय वेशभूषा में दिखती भी हैं और फिर ईद मुबारक का संदेश भी देती हैं।
and to wish everyone in particular a very prosperous and happy Eid Mubarak. 2010 में प्रीति पटेल पहली बार सांसद बनी थी और 2014 में उन्हें ब्रिटेन का ट्रेजरी मिनिस्टर बनाया गया। 2015 में जब फिर से सरकार बनी तो प्रीति को रोजगार मंत्री का पदभार दिया गया और फिर 2016 में उन्हें इंटरनेशनल डेवलपमेंट सेक्रेटरी यानी अंतर्राष्ट्रीय विकास मंत्री बनाया गया। लेकिन 2017 में उनके साथ एक बड़ा विवाद तब हुआ जब वो एक निजी यात्रा पर परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए इजराइल गई थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार या दूतावास को जानकारी दिए बिना उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और वहां के कई अधिकारियों से मुलाकात की। इस पर ब्रिटेन में बड़ा विवाद हो गया जिसके बाद प्रीति को मंत्री पद छोड़ना पड़ा। 2016 में उन्होंने ब्रेक्सिट का खुलकर समर्थन किया। वो ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से अलग होने की बड़ी समर्थक रही हैं। ब्रेक्सिट के समर्थन में कई रैलियां की, अपनी पूर्व प्रधानमंत्री टेरिजा मे की कट्टर आलोचक रही और मौजूदा प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का जमकर समर्थन किया। प्रीति ने पूरे ब्रिटेन में बैक बोरिस नाम से अभियान भी चलाया। इसी का फल प्रीति को मिला है। प्रीति के आदर्श ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर हैं और वो खुद को थैचराइट कहती है। प्रीति से पहले ब्रिटेन के गृह मंत्री की कमान पाकिस्तानी मूल के साजिद नावेद के पास थी जो अब ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री बन गए हैं।